तो गाइस सर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे BGMI के अंदर फाइनली अपडेट आ चुका है एंड अपडेट हो रहा है। ये इन गेम अपडेट आ चुका है, मैंने प्ले स्टोर से अपडेट भी कर लिया और इन गेम भी अपडेट आ चुका है। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर आज 1 दिसंबर और आज के दिन ऑफिशियल ने भी कन्फर्म करा है कि आज के दिन आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, इसलिए आज के दिन BMPS कैंसिल हो चुका है। तो गाइस सर अगर आप लोग ने अभी तक अपडेट नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हो, आइए आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां से आप लोग 100% अपडेट कर पाओगे। तो गाइस चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करके आगे शेयर जरूर कर देना यार प्लीज़। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सर आप लोग को एक मैं चीज़ कमाल की चीज़ दिखा देता हूँ कि शायद बहुत सारे बंदों को ना ही पता हो कि BGMI के अंदर अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कंफ्रंट ऑफ योर एनिमीज ऑन अ फ्रोजन स्नो फील्ड। काफ़ी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरेंगल के पास विकेंडी है, नहीं तो एरेंगल के पास मिरामार हमेशा आता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपडेट है वो बैकग्राउंड में आ चुका है। तो गाइस अपडेट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको गेम से बाहर आना है। गेम से बाहर आने के बाद गाइस आप लोग को अपने प्ले स्टोर को ढूंढना है जहाँ पे भी हो, उसके बाद आप लोग को अपने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे लिख के सर्च कर देना BGMI लिखोगे या कुछ भी लिख दोगे BGMI आ जाएगा। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आपको यहाँ पे प्ले दिखा रहा होगा, लेकिन गाइस आपको बता दूं कि प्ले स्टोर पे अपडेट आ चुका है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रणवीर सिंह का भी यहाँ पे स्टैचू जो भी चीज़ है आउटफिट आने वाला है, जो भी करेक्टर आने वाला है वो सब कुछ यहाँ पे शो होने लगा है। एंड गाइस आप लोग थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे थीम आती है वो चेंज हो चुकी है एंड 2.9.0 मोड की जो अब मोड है उसकी यहाँ पे थीम लग चुकी है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आइस रेल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, विकेंडी में आएगी, रेंगल में भी आएगी एंड लिविक में भी आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आपको बता दूँ कि जब अपडेट आ जाता है तभी ये चीज़ चेंज होती है। तो फाइनली प्ले स्टोर पर अपडेट आ चुका है। आपको कैसे अपडेट करना है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे प्ले लिख के आ रहा है, जाहिर सी बात है अपडेट करना प्ले लिख के आ रहा होगा, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहली चीज़ ये करना है कि आपको जो अकाउंट हो उस पर जाना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे अपडेट ऑल सी डिटेल्स पे क्लिक कर देना, सी डिटेल पे क्लिक करना, इसके अलावा कुछ पे मत क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे वो ऐप्स आते हैं जो यहाँ पे अपडेट करने होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेना कि यहाँ पे अपडेट आ गया कि नहीं, अदरवाइज नहीं शो करेगा आपको। तो ऐसे एक काम करना है, आप लोग को अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करके रखना थोड़ी देर, उसके बाद आपका ऐप इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके ऐप इन्फॉर्मेशन पर आगे चाहे तो आप स्टोरेज से जाके क्लियर ऑल डेटा कर सकते हो, चाहे तो आप बैक से ही आप लोग यहाँ पे क्लियर डेटा दिखेगा इस पर क्लियर ऑल डेटा कर देना। उसके बाद आप लोग को अपने प्ले स्टोर पर दोबारा से ओपन करना है, इस बार थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपने क्लियर ऑल डेटा करा है। उसके बाद आपको फिर से BGMI लिख के सर्च करना है। BGMI लिख के जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि BGMI आ चुका है विद रणवीर सिंह के साथ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्ले लिख के आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अपडेट है वो आ चुका है एंड बहुत जल्दी शो कर जाएगा ऑफिशियली। तो बात करते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक आपको बता दूं कि 99% चांस है कि आपको अपडेट जल्दी देगी, सबसे जल्दी देगी। वो ये ट्रिक है कि आपको अपने गूगल क्रोम पे जाके BGMI लिख के सर्च करना है। सर्च करते ही आप लोग के सामने इस तरीके से सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। तो जो सबसे पहली ऑफिशियल वेबसाइट है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का 2.9 अपडेट का पॉडकास्ट भी यहाँ पे देख सकते हो कि आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको सिंपली सा अगर आप ऐप स्टोर मतलब कि अगर आप iOS में हो तो आपको एप्पल स्टोर पे क्लिक करना है, ऐप स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड वाले हो जैसे कि मैं हूँ तो आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। और जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे भेज दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपडेट आ चुका है, बस अभी जो अपडेट है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और ये अपडेट कभी भी शो कर जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ से ट्राई करना क्योंकि तभी आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्लियर ऑल डेटा कर रखा होगा प्ले स्टोर पे तो आपको प्ले स्टोर पे सबसे पहले आ जाएगा अपडेट। एंड गाइस अब बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। गाइस सर ये ट्रिक 100% वर्क करेगी और मैं खुद आपको अपडेट दूंगा कैसे, कि आप लोग को इंस्टाग्राम पर आना है। इंस्टाग्राम पे आने के बाद गाइस देखो आप लोग को सिंपली सर्च करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की जो प्रोफाइल होती है इंस्टा की, उस पर आना है।
इस पर आने के बाद गाइस देखो आप लोग को जहाँ पे जो बीजेवाई के अंदर चीजें होने वाली है उसके बारे में आपको पता लग जाएंगी इन फ्यूचर। जैसे कि एक सूट आने वाला है, रणवीर सिंह का कोलैब होने वाला है, वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन गाइस सर आपको इससे मतलब नहीं, आपको अपडेट से मतलब है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में लिख दिया गया है, पॉडकास्ट आउट नाउ, ओके पॉडकास्ट के बारे में बताया गया, लेकिन अपडेट भी आ चुका है। तो गाइस सर अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कोई भी लिंक नहीं दिख रही होगी, हो सकता है कि आपको लिंक शो ना करे, मतलब शो करेगी, हो सकता है कि ना पता चले। तो ऐसे में काम कर रहे देखो, सबसे पहले आके मुझे फॉलो कर लेना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है जो कि हर बंदे का, हर यूट्यूबर का होता है आज के टाइम पे। तो आप लोग यहाँ पे आके इसको फॉलो कर ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही लिंक आ जाएगा आपको इसमें 2.9 अपडेट मिल जाएगा, सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो यूट्यूबर हैं, फनजोन गेमर और मैं, और हम बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आके इसमें ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको अपडेट यहाँ पर सबसे पहले मिल जाए। अरे मेरे से कुछ बातें करनी है तो आप लोग यहाँ पर मैसेज करो, मेरे को पर्सनल मैसेज कर तो मुझे दिखता नहीं है, यहाँ पर मैसेज करोगे तो मैं आप बाकायदा देख पाऊंगा, सभी के लिए आई थिंक ओपन होता है, नहीं भी ओपन है तो पर्सनली मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा सबका मैसेज और आपको जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको 100% सॉल्व कर दूंगा। अब इस बात कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि मैंने अपडेट कर रहा हूँ, वो कैसे आप लोग को अपडेट करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीका। देखो गाइस आप लोग को क्या करना है, अपने BGMI को ओपन करना है, ओपन करना जिससे कि आपका BGMI जैसे ओपन होगा और सिंपली से ओपन करना है, और आपको यहाँ पे देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट करके आपका सिंपली सा गेम ओपन हो जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी से एक घंटे तक के बीच में करोगे तो हो सकता है डायरेक्ट आपको चेकिंग फॉर अपडेट लिख के आ जाएगा। तो देखो ऐसे में एक काम करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एक बार ट्राई कर लेना, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं करना बार बार ट्राई करना, नहीं बस एक बार का ट्राई करना कि आप लोग को क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करके सेटिंग पे जाना, सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आईडी को लॉगआउट कर देना, बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। लॉगआउट करते ही गाइस आप लोग यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको जो यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक होगा कुछ भी नहीं करना होगा, आपको कहीं भी गलती से टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करती गाइस आपका जो गेम है, अब यहाँ पे देख सकते जो मेरा गेम था ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा है। तो आपको बता दूं कि जैसे आपका ये आप ये चीज़ करोगे तो आपका गेम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपका जो गेम होगा उसमें आपको चेकिंग फॉर अपडेट में कुछ MB का अपडेट आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 162 MB का अपडेट। पर गाइस आपको अपडेट चेक करना है कि इसमें अपडेट्स ये जो आ रहा है वो अपडेट है कोई अलग अपडेट है, तो उसके लिए आपको बता दूं कि एक लास्ट में एक चीज़ है, जैसे अपडेट ये पूरा कंफर्म हो जाएगा तो आपको लास्ट में अपडेट आएगा कि आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है, अगर आपका जो रियल वाला अपडेट आएगा, अगर आपको इन गेम कोई भी अपडेट चल रहा है वो देखने को मिलेगा तो आप समझ लेना कि इसमें आपको रिस्टार्ट करने को नहीं बोलेगा, आपका गेम सीधा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे अपडेट आ गया कि नहीं आएगा, आपको इन गेम ही अपडेट देखने को मिल जाएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपडेट इन गेम में ही देखने को मिल जाए आपको।